आज से 3 दिन के लिए यहाँ अपने देश के जाने माने डॉक्टर्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लोगों को अच्छी ढंग से अच्छी चिकित्सा पद्धति कैसे प्रदान की जाए इस पर और इसमें क्या इनोवेशंस किए जा सकते हैं इस पर वो डेलिब्रेशंस करने वाले हैं। वैसे वो सब जानते हैं क्या करना है सब लोगों के लिए। एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि उन्होंने लोगों की सुविधा के लेकर इस डेलिब्रेशन को मध्य बिंदु बनाया है और लोगों को किस प्रकार की अच्छी सुविधा देने का उस पर ये सभी देश के जाने माने लोग यहाँ आए हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, खास करके लेप्रोस्कोपिक और एंडोस्कोपी वगैरह इसको भी विषय को लेकर किस ढंग से किया जाता है, रोबोटिक्स का इसमें कैसे उपयोग किया जा सकता है इस पर ये सब विचार विमर्श करने वाले हैं। अपने देश के लिए बहुत ही आवश्यक बात हो रही है, मैं सबको बधाई देता हूँ। मुझे लगता है कि अपना पुराना ज्ञान और आधुनिक ज्ञान ये दोनों को इकट्ठा आकर इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए और बहुत सुंदर बात यह है कि इस दिशा में विचार करने के लिए आज की सबकी डॉक्टर्स की फ्रेटर्निटी तैयार है और इस दिशा में विचार कर रहे हैं। अपने देश के लिए, अपने आने वाले समय लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छी घटना घट रही है, बहुत सुंदर है। ये लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के ज़माने में एक नीड ऑफ द आवर है। कहीं भी आप जाइए दुनिया में तो हम ये चाहते हैं, उससे उसी परिप्रेक्ष्य में हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पे हम हिमाचल के जो सर्जन्स हैं उनको हम लेप्रोस्कोपी में ट्रेन करने के लिए ये तीन दिन का एक वर्कशॉप भी है, साथ में कोर्स है जिसका कि बाकायदा 3 दिन के बाद एग्ज़ाम होता है और उसके बाद उनकी एक सर्टिफिकेशन होती है इंडियन एसोसिएशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोसर्जन की तरफ से। तो 18 से 21 तक ये चलेगा, उसमें उनको एक सर्टिफिकेशन मिलेगी जिसमें उनकी इस तरह की ट्रेनिंग होगी। इस सारी प्रक्रिया का जो मकसद है वो मकसद ये है कि हमारे दूरदराज के क्षेत्रों में जहाँ भी सर्जन अगर कोई पोस्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में, अगर वो लोग भी दक्ष होंगे तो वो वहीं पे दूरबीन की सर्जरी कराने के लिए यहाँ IGMC या टांडा में ना जाना पड़े, वहीं पे वो करें, वहीं पे इसी संदर्भ में उनकी ट्रेनिंग से संबंध में ये वर्कशॉप। इसमें हिमाचल के तो जितने हिमाचल में सारे सर्जन हैं उनके 90% सर्जन जो है वो ट्रेन होने के लिए यहाँ आए हैं, जिनमें कि कुछ जो नए पास आउट हैं। और आप यकीन मानिए तो कुछ तो ऐसे सर्जन जो रिटायर भी हो लिए वो भी इस कोर्स को करने के लिए आए हैं। इसके अलावा पूरे भारतवर्ष से, उड़ीसा से, बेंगलोर से, चेन्नई से, यहाँ तक कि वहाँ दूर दूर से भी लोग यहाँ पे आके लगभग 200 डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पे आए हैं और जिनकी की ये ट्रेनिंग बाकायदा एक अच्छे स्किल्ड जो सर्जन हैं इस फील्ड के, अपनी फील्ड के, वो इसमें ट्रेनिंग देंगे 3 दिन तक और वो एंड में लास्ट डे संडे को लाइव वर्कशॉप भी हम ऑपरेशन थिएटर से, जहाँ पे 3 ऑपरेशन थिएटर्स में अलग अलग सर्जरीज करा के वो यहाँ पे टेलीकास्ट की जाएगी जिसको वो सारे जो जितने प्रशिक्षु है ये देखेंगे। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स 16